करने के बाद स्ट्रीट शॉपिंग करते करते यहाँ पे एक दुकान देखने को मिली, जहाँ जिस दुकान का नाम था द जैकपॉट। एंड यहाँ पे कुछ यूनिक सा था, मतलब लड़कियों का था बट बच्चों के लिए था। एंड ये तो कुछ भी शॉपिंग नहीं किए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। एंड ऑलरेडी सेल पे था एंड 10% डिस्काउंट भी था। एंड सो मुझे लगा कि चलो कुछ देख लेते हैं, एंड अगर आपको कुछ पसंद आएगा तो फिर यहाँ से ले लेंगे। तो मेरी तो शॉपिंग हो गई थी आज की। सो मुझे यहाँ पे इतनी सारी प्रिंट अच्छी लग रही थी ना, मतलब आई एम गेटिंग कन्फ्यूज कि मैं कौन सा लूँ इनके लिए। एंड ये तो मतलब सब बोल रहे थे कि हाँ सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ चिकन करी का देखने को मिला, मतलब जो लड़कियों का होता है ना चिकन करी, वो उसी टाइप का कुछ। एंड यहाँ पे आई जस्ट लव ब्लैक, सो मुझे यहाँ पे एक ब्लैक भी देखने को मिली। एंड ये तो सब बोल रहे थे कि मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। एंड यहाँ पे यूनिक बात ये थी कि यहाँ पे ना मतलब सबकी प्रिंट आप देख पा रहे होगे ऑलरेडी, ये भी मतलब थोड़ी सी, थोड़ी नहीं पूरी ही डिफरेंट है। एंड ऐसे ही मुझे कुछ इसी टाइप का कुछ चाहिए था। एंड ये वाला जो है ऑलरेडी स्ट्रिप पे है, एंड सब कुछ थोड़ी बहुत मतलब यूनिक ही है। एंड अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो ना, तो फिर स्ट्रीट शॉपिंग करते करते थोड़ा आगे जाने के बाद कोलाबा कॉजवे में आपको मिल जाएगा द जैकपॉट। नहीं तो आप अगर कहाँ पे भी वहाँ पे पूछ लोगे ना, तो आपको वो बता देंगे। एंड यहाँ पे ये वाली मतलब यहाँ पे सब कुछ डिस्काउंट में था, सेल पे था, एंड एक अफोर्डेबल प्राइस में था। बिकॉज अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो ना, तो फिर सबके लिए तो कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। तो ये वाली प्राइस में आई थिंक कि आपको ये मतलब सूट करेगी। बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ से सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाऊँ, बिकॉज एक प्राइस एक अच्छी प्राइस में मिल रही थी। एंड ऊपर से ये डिस्काउंट भी था। एंड ये वाली जैकेट यूनिसेक्स बोल रहे थे वो, बट मैं इनके लिए कुछ अलग सी ही ली हूँ। मतलब ये मैं जब लास्ट में आपको दिखाऊँगी वो वीडियो में मैं यहाँ से क्या क्या ली हूँ। एंड ये वाली लड़कियों की भी है, जो कि प्राइस ये भी कम है एंड इसमें भी डिस्काउंट ऑलरेडी है। एंड दिस इज जस्ट वाओ, एक्चुअली दिस वन इज ओनली 750 एंड 750 में भी ये डिस्काउंट होने वाली है। एंड गाइस अगर आपको यहाँ आना है ना, तो फिर मैं इसकी अलग सी वीडियो की हूँ, आप वहाँ जाके देख लेना। सो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं, फाइनली शॉपिंग ओवर हो गई है एंड यहाँ पे रुके हैं। हमें क्रॉस करके जाना है ताज गेटवे एंड वो सब कवर करना है, क्योंकि हम इवनिंग को वेट कर रहे थे। एंड यू कैन सी द बस, एक्चुअली ये वाली बस है, मतलब जो भी मतलब ट्रैवल मतलब बाहर से आते हैं ना, वो ये बुक करके जा सकते हैं। एंड सो गाइस अभी शॉपिंग करने के बाद अभी जा रहे हैं गेटवे के पास, एंड वो भी वॉक करते जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ से 450 मीटर था, तो इसके लिए क्यों कैब बुक करेंगे। इसलिए वॉक सिंगापुर में जब गए थे तो इतनी वॉक हुआ था कि मतलब अभी हैबिचुएट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए अभी जा रहे हैं गेटवे के पास। एंड अभी कोई भी शॉपिंग मतलब अभी पानी पी के, अभी थोड़ी मतलब ह्यूमिडिटी कम हुई है। एंड अभी टाइम 6 बज चुका है, सो अभी जा रहे हैं। बिकॉज इन दिन में इसीलिए शॉपिंग कर रहे थे, बिकॉज ह्यूमिडिटी एंड धूप से थोड़ी बचने के लिए। एंड तो अभी वो हो गई है ऑलरेडी, बट अभी ह्यूमिडिटी कम है, बट अभी भी धूप है। यू कैन सी जस्ट ये ताज होटल का बैक साइड है। सो अभी तो हम हमारा अभी के लिए डेस्टिनेशन है, तो अभी वॉक करते करते जा रहे हैं। पिछवाड़ा एंड द क्राउड।
कम 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 कम। एंड फाइनली हम वॉक करते करते ताज के फ्रंट में आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड अभी रोड क्रॉस करके अगेन जा रहे हैं ताज के फ्रंट को। एंड फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी इट्स जस्ट सीरियसली ओह माय गॉड इट्स जस्ट वाओ यार लाइक अमेजिंग। मतलब पानी और थोड़ा ऊपर आ गया था बिकॉज मतलब ये दो दिन के बाद हाई टाइड की वजह से दो दिन के बाद ये कुछ स्ट्रीट होने वाला है हमें कुछ सुनने में आ रहा था। एंड तो अभी हम ये व्यू एंजॉय कर लेते हैं एंड आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। स्टे ट्यून्ड। मेरे सोनिया सोनिया वे बे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगया मेरे सोनिया सोनिया वे बे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगया तेरा इंतजार कहां करा क्राउड थी कि हम धीरे धीरे यहाँ से निकल के एक अच्छी पिक खींच लिए। तो मतलब अभी जा रहे हैं गेटवे के पास धीरे धीरे पैदल ही जा रहे हैं एंड अगर कहीं पे जगह मिल गई तो फिर अगेन वहाँ की मतलब एंजॉय कर लेंगे। एंड यू कैन सी हम और थोड़ी पास आ गए हैं गेटवे की एंड स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे ताज की कुछ फ्रंट व्यू इतनी अच्छी दिख रही थी तो मैं ट्राई कर रही थी एक अच्छी वाली फ़ोटो लेने के लिए बट क्राउड यहाँ पे इतनी थी कि मतलब टायर्ड हो गई। एंड गाइस यू कैन सी द लाइन ओ माय गॉड ये मतलब दूर से आप जितनी देख रहे थे ना गेटवे। एंड यहाँ पे गाइस मतलब विदाउट नो टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगा ऑलरेडी लाइन में है एंड कहाँ पे हम खड़े रहेंगे वो भी नहीं पता। एनीवेज ये 24 आवर ओपन रहता है एंड नो फीस। सो चलो चलते हैं के बाद ओ माय गॉड फाइनली हम एंट्री कर लिए एंड यू कैन सी इट्स जस्ट अमेजिंग। बट द क्राउड मतलब कभी भी मतलब ये टाइम में ना हर कोई आता रहता है बिकॉज ये इवनिंग टाइम है एंड यहाँ पे ना रात कुछ देरी से होती है बिकॉज अभी 6:30 हो गई है एंड 6:45 हो गई है ऑलरेडी। एंड आप देख पा रहे हो ऑलरेडी ये मतलब मुझे लग रहा है कि हमारी तरह मतलब वहाँ ये चार बज रहा होगा या फिर मतलब अभी 7 हो गया है ऑलरेडी एंड 7 बजे वहाँ पे हमारा मतलब अंधेरा छाया होता है।
एनीवेज यू कैन सी द व्यू ऑलरेडी. ये वो वाली व्यू थी ताज से गेटवे की, और ये वाली व्यू है फ्रॉम गेटवे से ताज तक. यू कैन सी द व्यू एंड एंजॉय. फोटोग्राफर रहते हैं तो उनकी स्माइल की वजह हम थे कि चलो कोई नहीं, मतलब बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी एंड फ़ोटो खींच ली एंड फाइनली वो बोले कि इंस्टेंटली फ़ोटो 60 सेकंड में दे देंगे, एक मिनट या दो मिनट के अंदर हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. बट पिक की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है. बट आपको तो फ़ोन पे आप लेने वाले हो ना, तो फ़ोन पे आप अच्छे से ले लेना. और क्या मतलब इनकी जो स्माइल थी ना गाइस, मतलब ओ माय गॉड, मतलब दुनिया में अच्छे इंसान अभी भी है. एंड फाइनली हमारी फ़ोटो भी आ गई एंड ही कैन सी द रिजल्ट. एंड दिस इज द नाइट पिक ऑफ ताज. एंड दिस इज एंड घूमते घूमते फ़ोटो खींचते खींचते इतनी टायर्ड हो गए कि सोचे कि सब यहाँ पे नीचे बैठ रहे थे एंड मैं एक शॉर्ट्स पहनी थी तो कैसे नीचे बैठ सकती हूँ. तो फिर भी ट्राई कर ली एंड एक इतनी सुकून सा मिला ना, मतलब नीचे बैठने के बाद. बिकॉज सुबह से हम पैदल वॉक कर रहे हैं एंड शॉपिंग करते करते टायर्ड भी, मतलब आप यू कैन सी माई फेस अचीव. तो अभी मतलब लगा कि चलो कुछ स्पेंड कर लेते हैं बैठ के एंड थोड़ी सी मतलब राहत भी मिली. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा. तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा. चाहा को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा. बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो, बस तेरा पार्ट ऑफ ताज. एंड यहाँ पे ना नाइट शो भी होने वाली है गेटवे के ऊपर, मतलब ये पिक है गेटवे की. एंड मुझे लगा कि चलो ले लेते हैं कुछ पिक वगैरह, नाइट हो चुकी है ऑलरेडी एंड इतनी टायर्ड हो गए थे हम. एंड यहाँ पे कुछ लाइट कंसर्ट भी होने वाली है, मतलब लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. बट आप छत्रपति शिवाजी आप देख पा रहे होगे ऑलरेडी, यू कैन सी जस्ट.
एंड गाइज अभी ना 7:30 7:45 हो गई है एंड आप देख पा रहे हो ऑलरेडी इतनी रात भी नहीं हुई है, बट हमें निकलना है, रूम आसपास ही है, बट फिर भी मतलब ओला उबर के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड फाइनली यू नो ये मेरी एक यहाँ पे एक ऐसे फ़ोटो खींचते हैं तो इन्होंने मेरी खींच ली एंड मैं भी इनकी खींच ली, कैन सी। एंड ये कैसा हुआ है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, रूम के लिए रवाना हो रहे हैं। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलना एंड डू फॉलो फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सिटीज।